जय श्री महाकाल दोस्तों, भोपाली महादेव की नगरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा की वादियों में बसा भोपाली महादेव की पहाड़ियाँ जो कि घोड़ा डोंगरी विकास खंड के अंतर्गत आता है। बैतूल जिले से 25 किलोमीटर दूर यह आपको सारनी रोड से जाना पड़ेगा जो रानीपुर से आपको अंदर मुड़ना होता है। यह स्थान बहुत ही घने जंगलों में स्थित है। यहाँ आज भी कई नाना प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। यहाँ आने के लिए सुगम मार्ग बना हुआ है और आप अपने निजी साधनों से यहाँ पर पहुँच सकते हो व यहाँ के नज़ारे आप दर्शन कर सकते हो। यह स्थान हम सबसे पहले भोलानाथ बाबा के दर्शन करते हैं व बाबा की जय जयकार लगाते बाबा के मुख्य शिवलिंग के दर्शन हेतु आगे निकल पड़ते हैं। यहाँ से मुख्य शिवलिंग तक पहुँचने के लिए आपको 290 सीढ़ियाँ पार करनी होती है जो कि बहुत ही कठिन यात्रा मानी जाती है। यहाँ आगे चलते ही रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। आसपास सतपुड़ा की वादियाँ में बसा यह स्थान बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है। अब चलते चलते कई प्रकार के वृक्ष और कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। यहाँ बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बंदरों को श्रद्धालु आते हैं प्रसाद भेंट करते हैं। यहाँ आप 16 सोमवार व शिवरात्रि में यहाँ आपको काफ़ी भीड़ और मेले के दर्शन मिल सकते हैं और वादियों का नज़ारा आप काफ़ी यहाँ रहकर रोमांचित लगता है। श्री शिव भगवान की आरती कर हमने आसपास के नज़ारों का आनंद लिया व यहाँ की वादियों को निहारा। जहाँ तक कि हम देख पा रहे थे वहाँ तक कि हमने इन वादियों का नज़ारा प्राप्त किया। यहीं से ऊपर की ओर एक सुगम मार्ग बना हुआ है। गुप्तेश्वर महादेव व हनुमान मंदिर के लिए आपको यहीं से बाई ओर की ओर एक रास्ता जाता है जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही पड़ता है। आपको रास्ते में कई प्रकार की कंदराएं और गुफाएं मिलती हैं। रास्ते में तकरीबन 3 से 4 गुफाएं हमें मिली जो एक समय यहाँ जानवरों का आश्रय स्थल रहा करता था। यहाँ कई प्रकार के
आदिवासी और अपने बाबा को मानने वाले भक्त श्रद्धालु आते हैं, वह दर्शन पाते हैं। जहाँ शिव वहीं स्वर्ग, यह मान्यता तो बहुत ही सटीक बैठती है कि जहाँ शिव है वहीं स्वर्ग है, तो जहाँ भोले बाबा रहेंगे वहीं स्वर्ग है। तो चलते हैं हम गुप्तेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। जय श्री महाकाल। भोपाली महादेव मंदिर, जहाँ पर हम अंदर आपको 2 से 3 फीट अंदर नीचे ले जाएंगे, जहाँ पर साक्षात शंभु भोलेनाथ और शेषनाग की मूर्ति स्थापित है और स्वयं नंदी महाराज उनके साथ में है। तो चलिए चलते हैं। यह जो गुफा दिख रही नीचे अंदर, उनके अंदर 2 से 3 फीट अंदर होगी, क्योंकि हम आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। नीचे उतरते हुए आप टॉर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी लाइटिंग की सुविधा भी सरकार द्वारा की गई है। अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ की बहुत ही शानदार व्यू अंदर से दिखा देता हूँ, फिर भी हम अंदर जाएंगे। अंदर जाके शांत और थोड़ा सा नमी महसूस हो रहा है, ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है, और फिर भी हम लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। हर हर महादेव, हर हर महावीराय, त्रिलोचनाय, वसुमंगलाय, महेश्वराय, नित्याय, सुधाय, दिगंबराय, तस्मिन्नकाराय, नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिल चंद्रचरचिताय, वंदेश्वराक्रमचनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय, तस्मै महाकाय, नमः शिवाय, शिवाय गौरीवरनाथ नंद सूर्याय, लक्ष्मीनाशकाय, श्रीनीलकंठाय, रतनाय, तस्मै शिखराय, नमः शिवाय, वशिष्ठाय, मुनीन्द्रे वार्चिकाशेखराय, चंदात वैश्वान लोचनाय, तस्मै वकाराय, नमः शिवाय, तस्मै वकाराय, नमः शिवाय, यज्ञ स्वरूपाय, जटाधराय, पीनाकहस्ताय, सनातनाय, दीपाय, देवाय, दिगंबराय, तस्मै अताराय, नमः शिवाय, तस्मै अताराय, नमः शिवाय, पंचमुखी कलापार्वती हराय, हर महाकाय, साक्षात भोलेनाथ विराजमान। अच्छा और एक पॉजिटिव सकारात्मकता जागती है बॉडी के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही छोटी सी जगह यहाँ पर आने के लिए रास्ता जो दिख रहा है, बहुत ही छोटा रास्ता है, बहुत ही मतलब इस गुफा में ज्यादा ज्यादा 3 या 4 लोग आ सकते हैं, बस 3 या 4 बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों।
यह पृथ्वी तल से 5 से 6 फीट है। ये जो सीढ़ी है इसलिए स्वर्ग द्वार मतलब पृथ्वी द्वार। हम अभी पाताल लोक में आए हुए हैं और अभी हम पाताल लोक से सीधे ऊपर पृथ्वी लोक पे जाएंगे, जिसे हाफ की दुनिया नर्क लोक कहती है। तो पाताल लोक से हम अभी नर्क लोक जा रहे हैं। हरबला हर महादेव शंभु कैलासी, कृपा बनी रहे। ये चारों तरफ देखिए, यह पहले कुआ का घर था, कुएं के अंदर एक गुफा बनाई गई। यहाँ पर लाइट वाइट की सुविधा बढ़िया है। तो आप आइए बाबा के दर्शन करते हैं। यह पृथ्वी मुख्य पृथ्वी से 5 से 6 फीट नीचे गहराई में स्थित गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ से हम आगे बाबा के दर्शन प्राप्त कर देवना नदी जो आप देख रहे हो इसे पार करके श्री शिव मंदिर जाते हैं। कुछ क्षण विश्राम कर यहाँ की वादियों, पेड़ पौधों और झरनों का आनंद उठा सकते हैं। यहीं से 800 मीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर विराजमान है, जिसके दर्शन हेतु हम यहाँ से निकल पड़े हैं। बीच रास्ते में हमें शंकु आकार के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं, जिसे देखकर मन आनंद उत्फुल्लित हो जाता है। रास्ते में कई प्रकार के पशु पक्षी भी दिखाई देते हैं और इन पक्षियों को देखते मन में बहुत ही शांति अनुभूति होती है। बीच रास्ते में आपको नदी, झरने, बारिश के महीने में यह स्थान बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा दर्शित होता है। आगे चलते ही हम हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। यहां पर अभी मंदिर का कार्य चालू है। कुछ ही वर्षों में यहाँ आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र मंदिर देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ कार्य जारी है। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय बजरंगबली। मंदिर ने हमें आम दिया खाने के लिए, फलस्वरूप हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ से हम बाबा हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर वनों को निहारते हुए हम घर वापसी के लिए चलते हैं। चारों तरफ घने घने जंगलों के दर्शन, सूर्य निकलता हुआ अपनी रोशनी देते हुए हम धीरे धीरे अपने गंतव्य मार्ग पर चलते हुए, बहुत ही सुंदर नजारा आसपास का। यहाँ इन पहाड़ियों से रिसता हुआ जल इतना पवित्र होता है कि इसे पीने से मात्र से ही काफी रोग नष्ट हो जाते हैं और यहाँ आसपास के किसान भी यहाँ का जल का प्रयोग अपने खेती में करते हैं, जिससे छिड़काव से काफी जीव जंतु मर जाते हैं जो कि उनके फसल पर कीड़े होते हैं। यहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान की ओर चलते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर।
रास्ते में हमें एक बहुत ही पुराना बरगद का वृक्ष मिला, जिसे छूकर विशेष शांति अनुभूति प्राप्त होती है। यह वट वृक्ष तकरीबन 200 से 300 साल पुराना है। यह एक ही वट वृक्ष है तथा इसकी जड़ें सभी दूर बटी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्षेत्र में यह फैला हुआ है। आप दर्शन कर रहे हो बहुत ही आनंद की अनुभूति। आशा करता हूँ आपको यह सफर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही मोड़ पर आपको एक नए सफर की ओर ले चलूंगा। जरूर आप मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करते रहिए। जय श्री।